हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका हरियाणा महिला पुलिस कांस्टेबल का 18 सितंबर 2021 में द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा आप लोग। देखिए गाइस, इसके आंसर नहीं मिल पाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आप लोग पेपर देख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्ज़ाम है तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे डैश क्या कहते हैं। हरियाणा राज्य पुलिस में है, ये क्वेश्चन था। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था कि एक टोकरी में रखे फूल हर मिनट 2 गुना हो जाते हैं और टोकरी 1 घंटे में भर जाता है, कितने मिनट में टोकरी 1/32 भाग भरा था। गैस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में डैस को हराया था। छठा क्वेश्चन था, यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता तो द्रव के प्रवाह की गति क्या होगी। पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि नीली रावी डैस की नस्ल है, ये क्वेश्चन था। नवा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारत का विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वारंट का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन था। यदि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है, रीना राधा और गौरी से छोटी है, बीना राधा से लंबी और सुनीता से छोटी है, सुनीता सबसे लंबी नहीं है और रीना सबसे छोटी नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बीपीआरडी का पूर्ण रूप, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, सामान्यता अपेक्षाकृत छोटे स्टेशनों तक ही होता है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि वाई डब्ल्यू का भाई है, एक्स डब्ल्यू की पुत्री है, एक्स वाई की बहन है, तो जेड एक्स का भाई है, तो जेड का चाचा कौन है। अगला क्वेश्चन, यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक एक्सप्रेस सीट में सब कुछ छोटे बक्सों में भंडारित रहता है जो कहलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वक्र द्वारा प्रति मिनट निर्मित निषद की मात्रा डैश कहलाती है, यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, क्वेश्चन था। 20वां क्वेश्चन था, से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है, वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन पूछा गया था। गैस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। शुष्क जलवायु क्षेत्रों पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवण अपेक्षित हो जाता है, ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 दोनों दिन शामिल करके तक दिनों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि अनास प्लेटिकोष को सामान्यतः डैश कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि एक निश्चित भाषा में मद्रास का कूट NBESBT, उस कूट में बॉम्बे को कैसे कूटवत करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई करप्ट खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन था। दिए गए विकल्पों से भिन्न शब्द को चुनिए। अगला क्वेश्चन था, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा कर सकता है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर से तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाड़ा साहिब स्थित है, ये क्वेश्चन था। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना डैश पर है, ये क्वेश्चन था।
प्रिया एक तय स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। अब वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी और दिशा में है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। 33वां क्वेश्चन था गाइस, वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति में मापी जाती है। एक फल विक्रेता के पास कुल सेब हैं, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे होते हैं, मूल रूप से उसके पास कितने सेब हैं, ये क्वेश्चन था। OF2 में ऑक्सीजन की उपचयन अवस्था, ये क्वेश्चन था। भारतीय पुलिस में उच्च पद है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। दिए हुए समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी। अगला क्वेश्चन था कि फाउल कॉलरा द्वारा होता है। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त राज्य बना है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता है तो उस परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गैस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांवों में रहने वाले भू मालिकों को क्या कहा जाता है। थोड़ी देर में मैं आप लोगों को इसकी आंसर की प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन था, नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना था। इसमें वेब पेज फाइलें डैश फाइलम एक्सटेंशन का उपयोग करती है, ये क्वेश्चन था। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 के अनुसार मानकीकृत दूध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनिए, यह क्वेश्चन था। मधुमक्खी के काटने से एक अंग छोड़ा जाता है जिसमें दर्द और असहजता होती है, जैसे एक मृदु झार का उपयोग काटे गए स्थान पर आराम देता है। अगला क्वेश्चन था, श्री श्री त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन था। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्याम शतशाही की रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को किसने हराया था। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है। संख्याओं का अगला युग्म चुनिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा पुलिस वर्ष किससे कब बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा पुलिस वर्ष डैश में बनाई गई। अगला क्वेश्चन था, छछरौली को हरियाणा का डैश कहते हैं। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन में है। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सनु देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था, यदि ACNE का कूट 3-7-29-11 तो BOIL का कूट क्या होगा। चलिए जीके जीएस क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका रेसिप्रोसिटी का SI मात्रक पूछा गया था। इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्ट्रोलॉजी से डैश संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है। यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ थे सभी, लेकिन 9 मर गए, अब उसके पास कितने बचे। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी किस प्रकार संबंधित है। दी गई संख्या इतना इतना है, 3 के स्थानिक मान का योग कितना होगा। अगला क्वेश्चन था गाइस, की इलास्टिसिटी के मापांक का आयाम डैश के समान होता है। अगला क्वेश्चन था गाइस, की हरियाणा सरकार की प्राण वायु देवता पेंशन योजना PVDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूचना का एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं और अक्सर साइट के लिए मेजबान कंपनी या इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP से पहुंच में होता है। मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं, यदि मैं 2 या 3 एक पैकेट में रखता हूँ तो मेरे पास एक मिठाई बचती है, यदि मैं 5 एक पैक में रखता हूँ तो मेरे पास एक भी नहीं बचती है। मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो मैंने पैक की है और बांटी है। हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है, ये क्वेश्चन था। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था गाइस, गणित के सही चिन्हों को प्रस्तावित कीजिए, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के कार्यों
के बारे में सत्य है। डेस्क को वेबसाइट और उसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे साइट और साइट नेविगेशन संगठित होते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है, वह एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गाइस नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन था कि आरंभिक गतिज ऊर्जा 60 जे वाले एक प्रक्षेप को क्षितिज के साथ 45 डिग्री के एक कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी प्रक्षेप वक्र के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा क्या होगी। चुंगम फिट्स डैश का एक लक्षण, यह क्वेश्चन था, पशु परिवहन निगम 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु हेतु अनुमत अधिकतम दूरी है। अगला क्वेश्चन का, सर्वथा भिन्न शब्द चुनिए, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन था, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें, छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य भारत प्राप्त कर लिया हो डैश क्या कहलाता है। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक ऐसी निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्ष तापमान के साथ परिवर्तित होता है। सेवा सुरक्षा सहयोग डैश पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना था। आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था, भारत का पहला अनाज ATM डैश में स्थापित किया गया है।